नमस्कार, मैं हूं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ने निकाली रिक्तियां। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS ने सलाहकार वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी पद के लिए कुल मिलाकर 24 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक अनुशासन में स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएशन, MCOM, BE, BTEC की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार वॉक इन इंटरव्यू की तारीख 10वीं और 11 मार्च 2021 तक जा सकते हैं। इसके साथ ही आप आधिकारिक वेबसाइट www.nios.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार में मौसम का बदला मिजाज। राज्य में बीते दो दिनों से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक आई गिरावट ने मौसम में बदलाव लाया है। बुधवार को पटना में अधिकतम पारा सामान्य से थोड़ा ऊपर 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गया का 29.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं भागलपुर में अधिकतम पारा 31.6 जबकि पूर्णिया का 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वानुमान है कि फिलहाल ऐसी स्थिति अगले दो दिनों तक बनी रहेगी और तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर रहेगा। आसमान साफ रहेगा और उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही शुष्क हवाओं का प्रवाह जारी रहेगा। दिन में 12 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से शुष्क हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से वातावरण में नमी की मात्रा भी कम होती जा रही है। पंचायत पुनर्गठन को लेकर अधिनियम में जल्द होगा संशोधन। बिहार में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर पंचायती राज अधिनियम 2006 को लेकर जल्द ही संशोधन किया जाएगा। इसके तहत पंचायती राज विभाग ने एक प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है। आपको बता दें कि पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार 1991 की जनगणना के आधार पर ग्राम पंचायतों की आबादी 7000 के करीब मानी गई है। करीब 200 पंचायत ऐसे हैं जिनका कुछ हिस्सा नगर निकाय क्षेत्र में शामिल हो गया है, लेकिन बाकी बची आबादी के 3000 से कम आबादी होने पर उसे पास के ग्राम पंचायत में मिला दिया जाएगा। लेकिन अधिनियम लागू हो जाने के बाद 3000 की आबादी होने पर भी पंचायत का गठन किया जा सकता है। इसको लेकर कैबिनेट से स्वीकृति के बाद संशोधन विधेयक को चालू बजट सत्र में पेश किया जाएगा। कल से होगा इंटर परीक्षा का मूल्यांकन। बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा की कॉपी का मूल्यांकन कल से शुरू हो रहा है। इसके लिए राज्य भर में 130 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। इस बार पिछले साल की तुलना में 4 केंद्र अधिक बनाए गए हैं। इसके लिए सभी उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा केंद्रों पर भेज गया है। इस दौरान हर केंद्र पर मुख्य परीक्षक के अंदर औसतन 10 से 12 सह परीक्षक रहेंगे और इन सह परीक्षकों द्वारा कॉपी जांचने के साथ ही उसी दिन कंप्यूटर पर अंक भी चढ़ाए जाएंगे। ऐसा करने से रिजल्ट तैयार करने में आसानी होगी। आपको बता दें कि मूल्यांकन कार्य कल 5 मार्च से शुरू होने के बाद 15 मार्च तक चलेंगे। पटना के अनमोल और अनिमेश ने दिखाया अपना हुनर। राजधानी पटना के गर्दनीबाग क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित रजनी और सिद्धार्थ क्रिकेट टूर्नामेंट में जेके इंटरनेशनल स्कूल और ISD के बीच खेले गए मैच में अनिमेश और अनमोल ने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया। इस दौरान इस अंडर 14 के लीग मैच में दोनों ही खिलाड़ी जेके इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से खेल रहे थे, जिसके तहत अपना बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए अनमोल ने 9 चौकों की मदद से 65 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं अनिमेश ने 5 ओवरों में महज 13 रन ही देते हुए 2 विकेट झटकने में सफलता हासिल की। हालांकि संभावनाओं के खेल कहे जाने वाले क्रिकेट के इस मैच में ISD की टीम विजेता रही, जिसमें ISD टीम के बल्लेबाज अंकित ने शानदार पारी खेलते हुए 4 छक्के और 6 चौकों मदद से मैच को जीता दिया। बिहार की शान फणीश्वरनाथ रेणु की आज है जन्म शताब्दी। मशहूर कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु का आज जन्मदिन है। उनका जन्म बिहार की पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। यह उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। मैला आंचल उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इस पहले उपन्यास के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। हिंदी साहित्य में आंचलिक विधा को जन्म देने वाले फणीश्वरनाथ रेणु किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनके लेखन की एक विशेषता यह भी है कि उनकी रचनाओं में भी प्रेमचंद की तरह ग्रामीण जीवन की झलक दिखती है। इस दौरान आज राज्य के कई जगहों पर फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया और साहित्यकारों को रेणु शताब्दी सम्मान से सम्मानित भी किया गया। प्राथमिक विद्यालयों में होगी मैथिली भोजपुरी की पढ़ाई। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में अब प्रारंभिक शिक्षा में स्थानीय भाषाओं को भी शामिल किया जाएगा। इसकी जानकारी विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने दी है। इसके तहत मैथिली, भोजपुरी व मगही सहित अन्य स्थानीय भाषाओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि फणीश्वरनाथ रेणु के शताब्दी जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के उद्देश्य से आने वाले समय में स्थानीय भाषाओं को शामिल किया जाएगा। वहीं इस दौरान भाकपा माले के महबूब आलम द्वारा उर्दू भाषा को शामिल करने की मांग पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि विपक्षी नेताओं को पता नहीं है कि उर्दू पहले से ही द्वितीय राजभाषा में शामिल है। वे इसे द्वितीय राजभाषा से उतारकर क्षेत्रीय भाषा में शामिल करना चाहते हैं। पंचायत चुनाव में वोटिंग के अगले दिन ही हो जाएगी गिनती। बिहार पंचायत चुनाव में मतदान के अगले दिन ही मतगणना भी हो जाएगी। आपको बता दें कि प्रत्येक जिले में एक दिन में सभी 6 पदों के लिए चुनाव होंगे और उसका रिजल्ट भी
अगले ही दिन सामने आ जाएगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए मतदान कार्य को एक दिन में संपन्न कराने का निर्देश दिया है। मतगणना खत्म होने के बाद मल्टीपोस्ट ईवीएम से चिप निकालकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पंचायत की सुरक्षा में रखा जाएगा, जिसके बाद अगले दिन उस ईवीएम को दूसरे जगह भेज वोटिंग के लिए भेज दिया जाएगा। आयोग ने सभी जिलों से ईवीएम को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने की योजना को लेकर सुझाव मांगे हैं। साथ ही जिला को ईवीएम मिलने के बाद प्रखंड स्तर पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ईवीएम की तैयारी, प्रखंड से मतदान केंद्र पर भेजने और मतदान केंद्र से मतगणना केंद्र पहुंचाने, मतदान के दिन के लिए सुरक्षित ईवीएम क्लस्टर को चिन्हित करने को लेकर भी सुझाव मांगे गए हैं और इन योजनाओं पर तैयार किए गए सुझावों को 10 मार्च तक भेजने को कहा गया है। बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटना एम्स में किया गया भर्ती। मोकामा से आरजेडी विधायक अनंत सिंह की अचानक से तबीयत खराब हो गई है, इन्हें पटना एम्स में भर्ती किया गया है। बता दें कि बेऊर जेल में बंद रहने के दौरान अनंत सिंह को पेट में दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पहले पीएमसीएच ले जाया गया था, जिसके बाद उन्हें एम्स भेज दिया गया। एम्स में रेफर करने से पहले उनका कोरोना टेस्ट भी किया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद गैस्ट्रो विभाग में उनकी इंडोस्कोपी भी कराई गई। आपको बता दें कि बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर हथियार रखने के एक मामले में अभी केस चल रहा है और पटना के बेऊर जेल में वे फिलहाल बंद है। दारोगा बहाली के फिजिकल के लिए आज से मिलेगा एडमिट कार्ड। बीपीएससी द्वारा आयोजित दारोगा बहाली के लिए फिजिकल का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बीपीएससी ने दारोगा, सार्जेंट और सहायक जेल अधीक्षक के विभिन्न पदों के लिए 15,231 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए सफल घोषित किया था। सफल अभ्यर्थी बीपीएसएससी की वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। यह परीक्षा 15 मार्च 2021 को पटना के गर्दनी बाग स्थित शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय के खेल परिसर में आयोजित कराई जाएगी। आपको बता दें कि कुल मिलाकर 2,446 पदों पर बहाली होनी है, जिनके लिए फिजिकल के बाद अब फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। रालोसपा की जदयू में विलय की बात को निराधार बताया उपेंद्र कुशवाहा ने। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू में विलय की बात को निराधार बताते हुए खारिज किया है। ये बातें पार्टी के 9वें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मीडिया से कही गई। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ किया कि भविष्य में भी उनकी पार्टी शिक्षा के सवाल पर और किसानों, युवाओं के मुद्दे पर संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि कृषि कानून जनविरोधी है और सरकार को इसे वापस लेना होगा। वहीं इस दौरान पार्टी ने आगे की रणनीति के लिए राष्ट्रीय व राज्य परिषद और जिला अध्यक्षों की बैठक 13 और 14 मार्च को आयोजित करने का निर्णय लिया है। बता दें कि पिछले साल विधानसभा चुनाव में एनडीए से नाता तोड़कर उपेंद्र कुशवाहा ने अलग गठबंधन बनाया था, मगर हार के बाद से ही अक्सर उनके जदयू में शामिल होने के कयास लगते ही रहते हैं। बंगाल चुनाव में बिहार भाजपा नेताओं को मिली खास जिम्मेदारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बिहार बीजेपी के नेताओं को अहम जिम्मा सौंपा गया है। बंगाल में भाजपा की सरकार बने इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार इकाई पर भरोसा जताते हुए कई कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इसके तहत जलपाईगुड़ी का जिम्मा पूर्व विधायक प्रवक्ता संजय टाइगर को दिया है, जबकि दार्जिलिंग के लिए ब्रजेश रमन, कूचबिहार के लिए पूर्व अध्यक्ष युवा मोर्चा प्रदीप दुबे को दिया गया है। इसके साथ ही अलीपुर द्वार, सिलीगुड़ी, बालूरघाट, रायगंज, मालदा, मालदा दक्षिण के लिए भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल को जोन प्रभारी बनाया गया है, जबकि उत्तर बंगाल की जिम्मेवारी प्रदेश के सह संगठन महामंत्री रत्नाकर को दिया गया है। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि चुनाव में पार्टी 200 से अधिक सीटें जीतेंगी। बंगाल असम में भाग्य आजमाएगी लोक जनशक्ति पार्टी। लोजपा आगामी असम, पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, यह जानकारी लोजपा के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिक ने दी है। इसे लेकर पार्टी ने तीनों राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। इसके तहत सांसद महबूब अली कैसर को पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं आसिम खान को केरल के लिए चुनाव प्रभारी तय किया गया है। इसके साथ ही असम की कमान संभालने के लिए लोजपा ने करम श्याम को प्रभार सौंपा है। आपको बता दें कि इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर लोजपा ने भी अपनी कमर कस ली है। हालांकि इन तीनों राज्यों में लोजपा अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में शामिल होगी, यह अभी तक साफ नहीं है। माइकल वॉन के पिच विवाद वाले बयान पर कोहली के फैंस ने सिखाया सबक। भारत और इंग्लैंड के बीच आज टेस्ट सीरीज का अंतिम मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इससे एक दिन पहले विराट कोहली ने पिच के कंट्रोवर्सी को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि हम सफल हैं क्योंकि हम पिच को लेकर किचकिच नहीं करते हैं। वहीं विराट के इस बयान पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कोहली पर ट्वीट कर तंज कसा है, जिसके बाद से ही इंडियन फैंस उनको जमकर ट्रॉल कर रहे हैं। वॉन ने ट्विटर पर लिखा कि अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो पहले टेस्ट के बाद चेन्नई ग्राउंड्समैन को निकाल दिया गया था क्योंकि उसने बहुत फ्लैट विकेट बनाया था। पहले टेस्ट के बाद गेंद को लेकर भी कुछ शिकायतें की गई थी। वॉन इस पूरी सीरीज के दौरान टीम इंडिया पर तंज कसते नजर आए हैं, जिसके बाद भारतीय फैंस भी अब उन्हें ट्रॉल कर सबक सिखा रहे हैं। स्वरा भास्कर ने दी तापसी और अनुराग को हिम्मत। मुंबई में अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के यहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी के बाद एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अब इनके पक्ष में आकर खड़ी हुई है। स्वरा ने ट्वीट कर इन दोनों की तारीफ करते हुए इन्हें
वॉरियर यानी कि योद्धा बताया। स्वरा ने लिखा कि तापसी की सराहना के लिए यह ट्वीट है, जो साहस और दृढ़ विश्वास वाली एक अद्भुत लड़की है। इनके जैसे लोग अब कम देखने को मिलते हैं। मजबूती के साथ खड़ी रहो वॉरियर। वहीं अपने एक अन्य ट्वीट में उन्होंने अनुराग कश्यप की बहादुरी की तारीफ करते हुए लिखा कि वे एक शिक्षक, एक मेंटोर, स्पष्टता रखने वाले बहादुर दिल के इंसान है। गौरतलब है कि अनुराग और तापसी सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखने के लिए जाने जाते हैं। नागरिकता संशोधन कानून से लेकर किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर इन दोनों ने खुलकर बोला था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार बिहार के साहित्यकारों की रचनाओं में से कौन सी हिंदी साहित्य की रचना आपको पसंद है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहे बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।